अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। न्यूज़ ऐप डेवलपमेंट कोर्स की ये चौथी वीडियो है। अभी तक हम फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को सेटअप कर चुके हैं, बैक एंड के प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं, उसमें टेलीस्कोप और सेंटम पैकेज को ऐड कर चुके हैं और अब उसको कन्फिगर करेंगे और उनका बेसिक यूजेज देखने के बाद हम फिर अपने वापस फ्रंट एंड की तरफ शिफ्ट करेंगे और फ्रंट एंड जो है उसको डेवलप करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दफा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का अलर्ट आपको मिलता रहे और इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से फायदा हासिल कर सकें और रिएक्ट और लारावेल डेवलपमेंट को सीख सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं कोड को ओपन कर लूंगा और लास्ट हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर लूंगा। हमने ये टेलीस्कोप का पैकेज ऐड किया था और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारा जो सर्वर है वो रनिंग फॉर्म में। इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि ये ज़रा हो जाए और इसको क्लोज कर लेते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे आ जाते हैं और इस वीडियो में हम मेनली इसको एक दफ़ा सेटअप करेंगे इस पैकेज को और इसको यूज़ करके देखेंगे। सेटअप वगैरह हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है इसको, ये लास्ट वीडियो में हमने इसको बेसिकली रन वगैरह करके सारा कुछ करके देख लिया था। इस वीडियो में हम मेनली सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे और जो चीज़ें रह चुकी हैं उसको ऐड करके इसको एक दफ़ा यूज़ करके देख लेंगे। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये काम हो चुका है, ये हमारा हो चुका है काम। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ये चीज़ ज़रा ज़रूरी है, हम कंपोजर जेसन को ओपन करेंगे, कंपोजर डॉट जेसन, और इसमें हमने एक्स्ट्रा के सेक्शन में लारावेल डॉट डिस्कवर में इसको ऐड करना। ये हो गया एक काम। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में आगे अनेबल्ड, ये टेलीस्कोप अनेबल्ड इसको सर्च कर लेते हैं। ये बेसिकली ये ENV में लिखा हुआ है इन्होंने, ये टेलीस्कोप की कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। टेलीस्कोप की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पब्लिश नहीं हुई तो हम उसको पहले पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने का तरीका कार ये है कि हम ये है इसको कमांड को यहाँ पे रन करेंगे, इसको क्लोज करो, इसको रन किया, ये आ गया टेलीस्कोप की ये फाइल आ गई और ये अनेबल्ड, इसको बेसिकली हम ENV में ऐड कर देंगे। और मैं बेसिकली जो डेवलपर कीज़ होती हैं उनको एंड पे ऐड कर देता हूँ। ओके, इसको ट्रू कर देंगे अभी के लिए और इस चीज़ को हम एग्जांपल ENV में भी ऐड कर देंगे ताकि अगर हम प्रोजेक्ट को कहीं पे कॉपी करें। और हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको सिर्फ ऊपर रखते हैं, बाकी चीज़ों को नीचे ले जाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। इससे चले हमारा काम, ये ऊपर वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं, नीचे यूज़ नहीं हो रहा। इसमें हम इसको ये ऐड कर देते हैं और नॉट चेंज नीचे जो कीज़ हैं उनको हमने अभी तक चेंज नहीं किया, वो उनके वो हमें बस ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे हमने रखी हुई हैं लेकिन एज सच उनको एक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया, इसको बेसिकली इसको एज सच कॉपी कर लें और इसको यहाँ पर भी डिफाइन कर दें। ये हो गया, और इस चीज़ को यहाँ से कट कर दें और इसको यहाँ पे डिफाइन कर दें, इसमें से इसको भी यहाँ से कट करके डिफाइन कर दें। दैट्स इट, अच्छा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट ये काम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, स्क्रिप्ट्स में करना है। फिर से कंपोजर जेसन में आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स में आ गए और हमें किस में चाहिए, पोस्ट अपग्रेड में, अपडेट में ये चीज़ हमने ऐड करनी है, ये ले। और ये मेरे ख्याल से आइडेंटिकल ही है तो इसको रहने देते हैं। उसके बाद ये फिल्टरिंग वगैरह इसकी हमें ज़रूरत नहीं अभी, ये बेसिकली आप इसको बाद में स्टडी करके ट्राई कर लें, अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। और मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही था जी। चलें टेलीस्कोप को स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें और यहाँ पे आ जाएं, प्रोजेक्ट के जो URL है उसको ओपन कर लें। 7 दिस, ये आपका प्रोजेक्ट का URL है और एंड पे
टेलीस्कोप लिखें। ये आपका बेसिकली टेलीस्कोप चल रहा है और रनिंग में, और ये बेसिकली सर्च कर रहा है कि अभी कोई एपीए रिक्वेस्ट या प्रोजेक्ट में कोई रिक्वेस्ट हो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे उसकी एपीएस में आके स्लैश टेस्ट API 1 ये आया, और ये चीज़ यहाँ पे हमें रिसीव होनी चाहिए थी। ओके, इसको यहाँ पे आके कि इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी होगी। टेलीस्कोप डोमेन पाथ डेटाबेस कनेक्शन दिस एंड दैट क्यूज, ओ सॉरी, यहाँ पे API एंड दिस मिडलवेयर विल बी असाइंड। ओके, मैंने इसे ट्राई किया है थोड़ा सा, बेसिकली इसे अब डीबग करना पड़ेगा कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ जो है थी जो मैंने अभी ऐड की है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आफ्टर रनिंग दिस इंस्टॉल यू शुड रिमूव दिस सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रोवाइडर इंस्टेड मैनुअली रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर इन रजिस्टर। ओके, ये अब ये बात कर रहा है कि इसका सर्विस प्रोवाइडर इसको पकड़ें और कंपोजर दिस, ये बेसिकली एक्स्ट्रा दिस एंड दैट। बूटस्ट्रैप प्रोवाइडर्स कि इस सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर को मैन्युअली रजिस्टर करें इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद कि ये लोकल एनवायरनमेंट है। खैर, वो मेन इशू उस चीज़ का नहीं है यहाँ पे। अभी ये रिफ्रेश करने के बाद ना, यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट ना ना हो तो बेसिकली यहाँ पे वो आ जाता है नो रिक्वेस्ट फाउंड विद एक आईकॉन, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो रिक्वेस्ट ये चीज़ फेल हो रही है जो कि कह रहा है कि ओके डेटाबेस में ये चीज़ नहीं है। ओके, डेटाबेस को चेक करते हैं। डेटाबेस ये व्हाटएवर यहाँ पे आके न्यूज़पेपर में आके यहाँ पे वाकई वो चीज़ नहीं है, मतलब वो जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो हमसे ये वाली कमांड मिस हो गई। इसको ख़त्म करते हैं, ये करते हैं, ये हो गया माइग्रेशन और स्टार्ट करते हैं। अब इसको चेक करते हैं तो ये यहाँ पे बेसिकली अभी भी वो चीज़ नहीं आई, अभी भी जो मेन चीज़ है वो नहीं आई, मतलब इससे पहले ये इंस्टॉल इंस्टॉल की कमांड मैंने रन की है। ओ सॉरी, इसने पब्लिश किया है और उसके बाद माइग्रेट करना पड़ेगा, ये हुआ है, डन है। ओके, एक दफ़ा फिर इसको पहले यहाँ पे कंफर्म करें, ये आ गया माइग्रेशन, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करते हैं और ये लें, ये इसकी मैं बात कर रहा था कि जब कोई एंट्री ना हो ये आता है, और अब जब मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा तो वो एंट्री बेसिकली ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर करेगा और मुझे शो करवा देगा कि ओके तुम्हारी ऐप में ये रिक्वेस्ट आई है, उसका स्टेटस ये रहा है, उसको अगर और डिटेल में देखना है सारी चीज़ ना ये शो करवा देता है। तो ये लारावेल टेलीस्कोप काफ़ी कह लें कि हेल्पफुल चीज़ है। जो रिक्वेस्टें सक्सेसफुल होंगी इनको भी रिकॉर्ड, हर एक चीज़ को ये रिकॉर्ड करता रहता है और बताता रहता है ये न्यू एंट्रीज आई हैं उस पर क्लिक करें ये लें, और उसको बहुत ही काफ़ी कमाल का टूल है। ओके, ये था लारावेल टेलीस्कोप के रिगार्डिंग, और इसकी बेसिकली ये हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ऐड कर दी, दैट्स इट, मेनली यही था। नेक्स्ट अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट अब हम इसको देख रहे होंगे लारावेल सेंटम को, और इसको हम सेटअप करेंगे। लारावेल टेलीस्कोप की तरह ये लारावेल सेंटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल पैकेज है। ये बेसिकली सैस ऐप जो कि रिएक्ट जेएस, लारा सॉरी रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर टू, एंगुलर जेएस और इस तरह की जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से सिंगल पेज ऐप बनती है, SPA सिंगल पेज ऐप, उनमें ऑथेंटिकेशन के लिए बड़ा ही उस काम को बहुत ही इसने सिंपल कर दिया। आपने बेसिकली इस पैकेज को इंस्टॉल करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम इसको हमेशा की तरह पहले गिट वगैरह कर लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये काम हमारा कब हुआ था। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हमने पहले ही इंस्टॉल इसको कर लिया है, ये पैकेज है। अब हम इसकी बेसिकली जो स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन उसके गो थ्रू करेंगे, उनको आते जाते हैं। ये वाला जो काम है ये हमारा हो चुका है, इसको अगर अभी भी रन करूँगा ये कमांड नहीं मिल रही इसको,
और इसको अभी मैं डीबग नहीं कर रहा क्योंकि मेन जो चीज़ है वो हमारे पास है, दैट्स इट। ओके, उसके लिए अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, रहने दें इसको। यूज़ पर्सनल एक्सेस टोकन मॉडल, ओके। इशुइंग एपीआई टोकन्स, यस। मेन चीज़ ये है कि बेसिकली हमें ये हैज़ एपीआई टोकन्स, ये चीज़ चाहिए। वैसे यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि हम टोकन्स इशू कर सकें एक यूज़र के अगेंस्ट। मॉडल भी आना है, यूज़र भी आना है, और ये पहले ही वैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट है। वेरी वेरी गुड, नेक्स्ट, दैट्स इट। अब अगर हमें बेसिकली टोकन चाहिए एक यूज़र के अगेंस्ट, हमें सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र क्रिएट करना है, और यूज़र क्रिएट करके उस यूज़र के अगेंस्ट हमने एक क्रिएट टोकन की रिक्वेस्ट करेंगे। अगर नाम कोई देना है टोकन का दे दें, अदरवाइज वो बस एक टोकन आपको जनरेट करके दे देगा। तो इसको पहले ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए कोई भी चीज़ ट्राई करनी हो, उसका मैं जो रिकमेंड वे करता हूँ, सिंपलेस्ट वे के साथ उसको ट्राई करके पहले देखा करें, और जब उसकी सारी समझ लग जाए उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करें। तो सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है, आप एक सिंपली राउट लिखें यहाँ पे, लेट्स से टेस्ट सेंटम, और यहाँ पे फंक्शन, अभी के लिए फंक्शन से ही चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्चुअल काम नहीं कर रहे। और हमें एक यूज़र चाहिए, लेट से कि यहाँ पे हम यूज़र कहते हैं कि यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र का मॉडल दिया और क्रिएट कर लिया एक यूज़र को, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मेनली उसकी ईमेल चाहिए, और ईमेल अभी के लिए मैं अपनी यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ इस काम को ख़त्म कर सकें। और इसकी मैं माइग्रेशन में देख लूँगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं ताकि हमें कोई एरर ना आए। नेम रिक्वायर है, और इसको मैं नल लेबल कर दूंगा ताकि हम कंटिन्यू कर सकें जल्दी से। ईमेल ठीक है, टाइम स्टैम्प नल लेबल, पासवर्ड ओके, डन, दैट्स इट। वैसे नेम को भी रहने थे लेकिन कोई मसला नहीं है, मैंने कर दिया हुआ है। PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश सीड, इसको कर देंगे, यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ईमेल दे दी और पासवर्ड दे देंगे, दैट्स इट। पासवर्ड मैं हैश एक बना लूंगा, हैश क्रिएट यहाँ पे मैं हैश बना लूंगा। हैश की क्लास है, उसको मेक का मेथड है उसमें, और जो आपने वैल्यू देनी है वो देते हैं। लेट से यहाँ पे मैं एक सिंपल जायंस का नाम दे देता हूँ, या एक सिंपल पासवर्ड दे देते हैं, ये टेस्ट पासवर्ड, सिंपल सा कोई पासवर्ड रख लें, दैट्स इट। ओके, ये हो गया, और मेनली सिर्फ यही चाहिए। ये हमें यूज़र रिटर्न भी कर देगा, और क्रिएट करने से पहले आप बेसिकली यूज़र को गेट करके देख लें। यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू दिस फर्स्ट, ये, और अगर ये नहीं है तो ये काम कर लो, क्रिएट कर लो, और उसके बाद लेट से कि फिर इसको गेट करना। गेट ना भी करें वैसे यहाँ पे आ चुका होगा। खैर, अब मुझे टोकन यहाँ पे चाहिए, तो एक टोकन क्रिएट कर लें। यूज़र क्रिएट टोकन, और दैट्स इट। और इस टोकन को मैं यूज़र के साथ रिटर्न करवा दूंगा रिस्पॉन्स में, जेसन, लेट से यूजर यूजर और टोकन, जो कि टोकन की में जाएगा, और इसको मैं ये कर दूँ, और इस चीज़ को मैं उठा के एपीआई में फेंक रहा हूँ ताकि हम डायरेक्ट उसको उधर से कॉल कर सकें। दैट्स इट, ये यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं आप कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे।
टेस्टिंग हम और बैक एंड यूआरएल API/this/get/call और ये हमें आ गया क्रिएट API 0 पास्ट ओके 1 एक्सपेक्टेड। यहाँ पे इन्होंने कहा होगा इसका कोई टोकन का नाम, लेट से कोई भी नाम दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे ओके ऑथ टोकन, इसको कॉल करें ओके ये यूजर क्रिएट हुआ है और ये उसका टोकन हमें उसने क्रिएट करके सेंड कर दिया, जिसमें मेन चीज ये है ये प्लेन टेक्स्ट। अब इस चीज को मैं इस पूरे रिस्पांस को सेव कर लेता हूं, आप यहां पे सेव कर सकते हैं सेव एज एग्जांपल, ये सेव हो गया और ये मैंने यहां से कॉपी कर लिया, सेव कर लिया दैट्स इट। इसको यहां पे अभी पेस्ट कर देता हूं, बाद में इसको कंटिन्यू। यहां पे अब मैं एक रिक्वेस्ट बना रहा हूं, वैसे तो ये बनी हुई है इसको यूज कर लेते हैं और सिंपल यही इसी को यूज करते हैं स्लैश यूजर। इसको आप जब टोकन पास करेंगे एक प्रॉपर टोकन, यहां पे मैं करता हूं रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूं गेट यूजर सेंड हम वंस अगेन बैक सॉरी बैक एंड यूआरएल दिस दैट और यूजर। इसको अगर मैं ऐसे ही कॉल करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे जो कि है लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा रहा है, और मुझे यहाँ पे लॉगिन पे रीडायरेक्ट नहीं करवाना, मुझे बेसिकली उसको एरर रिटर्न करना है। ये आपको बेसिकली यहाँ पे 500 का एरर आ गया और लॉगिन पे वो रीडायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है कि ऑथेंटिकेटेड नहीं था। ऑथेंटिकेटेड कैसे होगा, आप यहाँ पे आके वैलिड टोकन पास करें और लेट से कि जो हमने ये टोकन कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं सेंड, और आप देख सकते हैं कि यूजर का डाटा आ गया। तो ये हमारी API ऑथेंटिकेशन सारी चल रही है, और इसको लॉग आउट करवाना होगा तो आप यहाँ पे एक लॉग आउट की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है सॉरी ये नहीं था कॉपी करना, ये करना था, और आप इसका एक ग्रुप भी बना सकते हैं ताकि चलें ये सेंटम की जो है मिडलवेयर वो सब पे अप्लाई हो जाए। ये किया फंक्शन दिस दैट और यहां पे राउट गेट ये ले ये गेट का, और यहां पे सेम ऐसी को कॉपी कर लेता हूं, लेकिन अब गेट का नहीं करूंगा अब डिलीट का करूंगा, जस्ट सो के मैं आपको एक लॉग डिलीट और यहां पे लॉग आउट लिखता हूं ना कि यूजर, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि चले यूजर को डिलीट ही कर दो, बट मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा, मैं बेसिकली यूजर को लॉग आउट करना चाह रहा हूं। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आके क्रिएट टोकन वो सारा हमारा काम हो गया। अब हमने बेसिकली ये वो बेसिकली परमिशंस चेक करने का तरीका है कि आप उसको परमिशंस असाइन कर दें और बाद में परमिशन चेक कर लें, ये काम हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसको कर सकते हैं। टोकन्स डिलीट ये मेनली ये, और आप बेसिकली एग्जैक्ट भी कर सकते हैं टोकन आईडी के थ्रू। मैं अभी के लिए लॉग आउट की जब एपीआई कॉल हो रही है तो मैं सारे टोकन ही डिलीट कर रहा हूं, दैट्स इट। यूजर दिस एंड दैट एंड रिस्पांस दिस डाटा या सक्सेस ट्रू ओके। और आप चाहें तो इसको ट्राई कैच में भी दैप कर सकते हैं, मीन जिस तरह आप चाहें जितना कोड को बेहतर चाहें कर सकते हैं, और यहाँ पे बेसिकली सक्सेस फॉल्स कर दें ये ले। अब लॉग आउट की एपीआई वंस अगेन, अगर मैं लॉग आउट की एपीआई को कॉल करूंगा, इसको पहले डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट इसको रीनेम कर देते हैं लॉग आउट यूजर सेंटम दिस, और अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूंगा फिलहाल इसको पहले लॉग आउट चेंज करता हूं, अभी भी कॉल करूंगा तो वो हो जाएगा, और इसको मैं यहां से नो ऑथ पे कर देता हूं सेंड करता हूं, तो सबसे पहले ये मुझे एरर देगा कि ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता ओके। और अगर मैं बेसिकली इससे यहां से जेसन में आ जाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इसको हेडर्स में आके आप इसको कह सकते हैं कि एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन सेंड करें, और इस दफा मतलब मैसेजेस जरा बेहतर हो जाएंगे।
तो ये काम इसमें भी कर लेते हैं, जो आगे हमें मैसेज आया था लॉगिन वाला, कि अगर ये नहीं सेंड करता था तो यहाँ पे ये वाला मैसेज आ रहा था, जो कि नहीं HTML फॉर्मेट में है। आप यहाँ पे हेडर में आके एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन कहेंगे, तो ये आपको मैसेज ज़रा ना बेहतर फॉर्मेट में आएगा, जो कि फ्रंट एंड पे यूज़ हो सकेगा, अनऑथेंटिकेटेड और 401। ओके, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये वाला हमारा काम सबसे पहले ये कह रहा है कि ये मेथड नहीं सपोर्टेड करता, तो मेथड सपोर्टेड में आ जाते हैं। अब अगर इसे सेंड करूंगा तो ये कहेगा कि अनऑथेंटिकेटेड है, लॉग आउट किसे करना है, कोई यूजर ही नहीं आपने दिया। और जब मैं यहाँ पे आके इसको बैरल टोकन प्रोवाइड करूंगा तो तब ये कहेगा सक्सेस। अब दोबारा करने की कोशिश करूंगा तो अब फिर वही अनऑथेंटिकेटेड आएगा, क्योंकि ये वाला टोकन इनवैलिडेट हो गया, ये खत्म हो गया टोकन। तो ये हमारी बेसिक हमने सिस्टम को देख लिया, और अभी के लिए बैकएंड के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना फ्रंट एंड के साथ, तो फ्रंट एंड को बनाएंगे और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको और स्टडी कर सकते हैं, कोई मेथड या कोई चीज आपको ना समझ लगे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन, इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, सोशल मीडिया पे, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे और जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स से फायदा हासिल कर सकें। कोर्स के रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ ना लगे या कोई बात आपने करनी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और इनशाला हम इस कोर्स को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.